नमस्ते। आज मैं बात करने वाला हूँ एयर फ्रेशनर पैकेट के बारे में जो कि वॉशरूम में यूज होता है। सबसे पहले इसको लॉन्च किया था गोदरेज ने और ये लॉन्च हुआ था वॉशरूम में यूज करने के लिए, वॉशरूम फ्रेग्रेंसेस के लिए, लेकिन आगे इसका यूज कार में भी होने लग गया। और इसके साथ और एक कंपनी है आई थिंक जॉनसन एंड जॉनसन, उन्होंने भी लॉन्च किया था। उन्होंने अपनी टैगलाइन में ये भी लिखा था कि कार एंड वॉशरूम फ्रेशनर्स। आज मैं इसके बारे में ही बात करने वाला हूँ। एक्चुअली कार में फ्रेशनर्स यूज करने पे एक प्रॉब्लम भी होती है, उसकी फ्रेग्रेंस की इंटेंसिटी। एक कंप्लेन होती है कि उसका फ्रेग्रेंस ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, 8 से 10 दिन में वो ख़त्म हो जाता है। तो इसी के लिए मैं एक टिप्स लाया हूँ जो कि फ्रेग्रेंस की इंटेंसिटी भी बढ़ाएंगी। हम देखेंगे कि एक कॉमन सी हैबिट होती है कि कुछ चीज़ें होती है, डेकोरेटिव चीज़ें होती है, लटकाने वाली चीज़ें होती है, तो हम कार के अंदर जो रेयर व्यू मिरर होता है हम उसी पे ही लटकाते हैं। इसी तरह मैंने देखा, जब मैंने समझने की कोशिश की तो नॉर्मली क्या होता है, एयर फ्रेशनर पैकेट लिया और कार का जो रेयर व्यू मिरर होता है उसमें हम लगा देते हैं। अभी इससे होता क्या है, वो पैकेट के ऊपर उसका डायरेक्ट सनलाइट आता है, वो डायरेक्ट सनलाइट की वजह से जो एयर फ्रेशनर के इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे फ्रेग्रेंस आती है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, धूप के कारण वो जल्दी खत्म हो जाता है। आई थिंक 8 से 10 दिन में वो खत्म हो जाएगा, उसकी फ्रेग्रेंस आना बंद हो जाती है। तो यहाँ पे एक छोटी सी टिप्स है, वो आप ट्राई कीजिए, उससे फ्रेग्रेंस भी बढ़ेंगी और ज्यादा दिन चलेगी। ये टिप्स क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो बैक डोर होता है वहां पे आप देखेंगे बॉटल होल्डर होते हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें रखने के लिए जगह होती है, वो एयर फ्रेशनर के पैकेट को आप वहां पे रखिए, जिससे क्या होगा डायरेक्ट सनलाइट तो नहीं मिलेगी। और कंपनी जैसे बोलती है कि भाई महीना भर चलता है, महीना भर तो शायद ना ही चले, आई थिंक 20 से 25 दिन आपको आराम से उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ट्राई करके देखिए, आपको रिजल्ट्स मिलेगा। दिस इज दीपक पोगर साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।